हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे राजस्थानी किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉफ़ी की बहुत ही शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे चार तरह से कैफे स्टाइल कॉफ़ी घर पर ही, वो भी बहुत आसान तरीके से। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। अगर हमारे घर पे अचानक से मेहमान आ जाए या हमारा भी कॉफ़ी पीने का मन हो तो ये कॉफ़ी हम फटाफट से ही बना के तैयार कर सकते हैं। इस कॉफ़ी में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। हम ये कॉफ़ी घर पर आसान तरीके से फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल भी कैफे जैसी लगती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर चार तरह से कॉफ़ी बनाई है, वो भी कैफे स्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कॉफ़ी की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक हैंड चॉपर ले लिया है, इसमें मैं डाल लूँगी एक चम्मच कॉफ़ी। जिस चम्मच से हमने कॉफ़ी डाली है उसी चम्मच से मैं यहाँ दो चम्मच शक्कर डाल लूँगी। अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल सकते हो। साथ ही मैं यहाँ मैं उसी चम्मच से दो चम्मच गर्म पानी ले लूँगी। यहाँ हमें गर्म पानी का ही यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। अगर हम ठंडा पानी लेंगे तो यहाँ पर जो हमारे कॉफ़ी का पेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हमें यहाँ पर गर्म पानी ही लेना है। अब हम चॉपर का ढक्कन बंद कर लेंगे। चॉपर में सब सामान डाल लिया है मैंने। आप यहाँ पर चॉपर का ढक्कन बंद करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, हमें इसे कंटिन्यूसली लगातार 4 से 5 मिनट तक चलाते ही रहना है। अगर हम इसे बीच बीच में बंद करते रहेंगे और लगातार नहीं चलाते रहेंगे तो हमारी जो कॉफ़ी है वो इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हो कि 4-5 मिनट तक मैंने इसे लगातार चलाया तो हमारी जो कॉफ़ी है वो कितनी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। कॉफ़ी का जो पेस्ट है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया। हमने इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं डाला है, बस 2 चम्मच मैंने इसमें शक्कर मिलाई थी, पानी और 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाई थी। आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ले ली है कांच की ग्लास। आपके पास जो भी हो, कप कुछ भी आप ले सकते हो। मेरे पास यहाँ कांच की ग्लास थी तो मैंने इसमें पहले तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी अंदर डाल लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ साइडों पे और कॉफ़ी डाल के इसमें डिज़ाइन बना लूँगी और फिर 1 चम्मच और कॉफ़ी में अंदर डाल लूँगी। फिर मैं यहाँ पर दूध डाल लूँगी। दूध मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म करके लिया है। दूध में हमें शक्कर नहीं डालनी है क्योंकि हमने कॉफ़ी में शक्कर डाल ली थी। तो दूध डालने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी का पेस्ट और डाल लेंगे हम और इसे ऊपर से अच्छे से मैं चम्मच से सेट कर लूँगी। थोड़ी सी सूखी कॉफ़ी डाल लेंगे। आप देख सकते हो कि एक कॉफ़ी तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं इसे चम्मच से ऊपर से अच्छे से वापस से सेट करूँगी और यहाँ पर मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पाइपिंग बैग ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ चॉकलेट सिरप भर लिया है। आप ये पाइपिंग बैग बेकरी पे इजीली मिल जाता है, आप वहाँ से ला सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर दूध वाली थैली भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर इसे इस तरह की डिज़ाइन बना ली अभी तो सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पर एक तीली ले लूँगी, आप चाहे तो कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ माचिस की तीली ले ली है, घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं सबके। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ और इजीली ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती हैं बिल्कुल कैफे स्टाइल घर पर ही। घर के थोड़े से सामान से ही है मैंने यहाँ पर आपको 2 तरह से कॉफ़ी बना के दिखा दी है और ये डिज़ाइन भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और कॉफ़ी तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। चलिए दूसरी डिज़ाइन में आपको बना के फिर से दिखा देती हूँ। फिर से यहाँ पर ऊपर से अच्छे से इसे चम्मच से सेट कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर दूसरी वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गोल गोल इस पर गोले बना लूँगी, 2 से 3 जितने भी बने उतने, थोड़े मैंने दूर दूर बनाए हैं तो यहाँ पर 3 ही बनेंगे। फिर वापस से इस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं, इजीली बन जाती हैं, हमें यहाँ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। फिर से मैं माचिस की तीली से इस पर
डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इस पे डिज़ाइन बना ली हूँ और ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितनी अच्छी दिख रही है। बिल्कुल हमारी जो कॉफ़ी है वो कैफे जैसी लग रही है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। और हमने जो पेस्ट बनाया है ना कॉफ़ी का, उसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो हम ये फटाफट से ही कॉफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। वो 7 से 8 दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, वो नहीं बिगड़ता है जो कॉफ़ी का पेस्ट है वो। और यहाँ पर मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आपको कितनी सारी डिज़ाइनें बना के दिखाई हैं। आप घर पर इजीली ये सारी कॉफ़ी बना के तैयार कर सकते हैं और आप इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए तो। और आप आपका जब भी मन हो तब आप ये कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। आपको कैफ़े जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार इस तरह से घर पर कॉफ़ी बना ली ना तो आप कभी भी कैफ़े जा के कॉफ़ी नहीं पियेंगे। ये बहुत ही यम्मी लगती हैं घर पर ही। आप देख सकते हो कि मैंने एक और डिज़ाइन बना ली है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरी डिज़ाइन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। इसमें थोड़ी सी मुझसे क्या है कि सही नहीं बनी थी, बट कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही है, ये भी बहुत ही यूनिक बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि न्यू अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब यहाँ पर मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ लास्ट में। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर राउंड राउंड घुमाते हुए पतली सी लेयर्स डालते हुए डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इसकी। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है कि हमें थोड़ा दूर दूर इस पर डिज़ाइन बनानी होती है। अब आप देख सकते हो कि मैं इस पर किस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। माचिस की तीली इजीली हमारे यहाँ घर पे अवेलेबल होती हैं और चॉकलेट सिरप आप मार्केट से ला सकते हो डिज़ाइन बनाने के लिए, और कॉपी शक्कर सब चीज़ें हमारे घर पर ईजिली अवेलेबल होती हैं। आप देख सकते हो कि हमारी ये एक और डिज़ाइन बन के तैयार हैं, बिल्कुल कैफे स्टाइल कॉफ़ी, और ये बहुत ही यम्मी लगती हैं। कोई नहीं कह सकता कि आपने ये घर पर बनाई है। अगर आप यह बना के किसी को भी पिलाएंगे ना तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि ये आपने बनाई है। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनती है ना कि पूछो ही मत। मैंने तो एक बार ऐसे बना के पी थी, अब मैं तो बार बार इसी तरह से बना के पीती हूँ। और आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी से बनाना।